राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। शरद पवार, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं से संपर्क। कहा, राष्ट्र के लिए अपने मतभेदों से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चर्चा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी की पेशी को लेकर हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक रोष निकालेंगे। रोष मार्च होगा और हरियाणा कांग्रेस के नेता से लेकर विधायक इस रोष मार्च का हिस्सा होंगे। किल्लू बिश्नोई अपने समर्थकों की नब्ज टटोलने वाले हैं। 14 और 15 जून को हिसार के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन पर कार्रवाई हुई है और इसके बाद ये दौरा महत्वपूर्ण। कांग्रेस के सभी पदों से हटाए जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में पलटवार किया। कहा, अगर कांग्रेस ने 2016 में ढंग से काम किया होता तो ऐसे हालात ना होते। रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। नई अनाज मंडी में कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज 9वां दिन है। खेलो इंडिया में टेनिस मैच देखने के लिए अभिनेता आमिर खान पहुंचेंगे। कल खेलो इंडिया का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। सेक्टर 61 में राजेश पायलट चौक पर गुर्जर भवन गुरुग्राम का उद्घाटन किया जाना है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज जनता का कष्ट निवारण करने वाले हैं। दरअसल उनके आवास पर जनता दरबार लगाकर वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर निपटारा भी होगा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर सियासत अब बढ़ती जा रही है। नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा। 25 जून को पेश होना होगा। शिमला में 17 जून को हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। बूथ प्रबंधन पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस ने मेरा बूथ सबसे मजबूत स्लोगन दिया है। प्रयागराज से लेकर रांची और हावड़ा तक हिंसा। कई जगहों पर इंटरनेट बंद। हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। तेलंगाना में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वन टाउन थाने के सामने प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देखी गई झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया गया। हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। 25 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली में हैंड ग्रेनेड मिला था। दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार बाजार में भीषण आग। दमकल की कुल 39 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रही। हिसार में झुग्गियों में आग लगी। 150 से ज्यादा झुग्गियां जल गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर। 3 बच्चे लापता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आग में जिंदा जलकर मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी और फैक्ट्री में साबुन बनाया जाता था। जगाधरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मंडी में छापा मारा। सरकारी गेहूं की बोरियों में पानी डालकर वजन बढ़ाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 3 कर्मचारियों को दबोचा। फरीदाबाद की सड़कों में हुए हादसों को चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 3 सालों में अब तक 1680 सड़क हादसे। 3 सालों में हुए सड़क हादसों में 622 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में भी सैकड़ों सड़क हादसे हुए हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू। आईटीबीपी जवानों ने हिमाचल में दिखाया हौसला। इस साल 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमिनिटी यानी मानवता के लिए योग होगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिरहित गांव में बोरवेल में गिरा 10 साल का मासूम बच्चा। बच्चे को बचाने के लिए पिरहित गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी। 3 मई से शुरू हुई चारधाम
यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड टूटा। इस साल चार धाम यात्रा पर अच्छी खासी तादाद में पहुंचे तीर्थयात्री। अभी तक 19 लाख से अधिक लोगों ने चार धाम के दर्शन किए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8582 मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 44513। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। कोरोना के 2922 नए केस, एक की मौत।